हेलो डियर स्टूडेंट्स, कि आप ये सभी लोग जानते हैं कि ये जो प्रैक्टिकल है ये हम परफॉर्म कर रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लेटर डायग्राम फॉर हाफ एडर एंड हाफ सब्ट्रैक्टर। तो हाफ एडर को समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये होना चाहिए कि सपोज हाफ एडर का मतलब क्या होता है, दो सिंगल बिट नंबर का एडिशन करना। तो ये जो दो सिंगल बिट हैं इनके एडिशन के आउटपुट क्या आ सकता है, एक तो सम और एक कैरी। ये ऑलरेडी हम लास्ट ईयर डिजिटल टेक्निक के सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं। तो सपोज़ देयर आर टू इनपुट्स ए एंड बी, और ए और बी की जो वैल्यू है वो 00 या 01, 10 या 11, ये चार ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो हमारा सम और कैरी का इक्वेशन क्या क्या आ सकता है, तो 0+0 0, और कोई भी कैरी नहीं आ रहा इसलिए हमने 0 लिखा है। 0+1 1 आता है, कुछ भी कैरी नहीं आ रहा इसका मतलब ये 0 है। 1+0 इज़ अगेन 1, सम 1 आएगा और कैरी कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन 1+1 एक्चुअली रिजल्ट 2 होता है, लेकिन बाइनरी में 1+1 की वैल्यू होती है 10। 2 को बाइनरी में कैसे लिखा जाता है, 10। इसलिए सम विल बी 0 एंड कैरी विल बी 1। सो सम विल बी 0 एंड कैरी विल बी 1। अब हमें सम के लिए इक्वेशन जनरेट करना है और कैरी के लिए इक्वेशन जनरेट करना है। हम क्या करेंगे, ये जो सम है इसको आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, ये सम में 1-1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 1 है, और इस 1 से रिलेटेड ए और बी का स्टेटस आप मार्क कीजिए। ए इज़ 0, बी इज़ 1। जब 0 है तब हमने उसको लिखा ए बार, और जब सिंपल 1 है बी की वैल्यू तो उसको लिखा बी। सेकेंड 1 के लिए क्या आएगा इक्वेशन, ए 1 है तो ए सिंपल लिखा हुआ है और बी की वैल्यू 0 है इसलिए बी को बार में लिखा। सो ए बार बी प्लस ए बी बार, दिस इज़ नथिंग बट ए एक्सॉर बी, ये एक्सॉर का इक्वेशन है। और अब हम कैरी के लिए इक्वेशन जनरेट करते हैं, कैरी का इक्वेशन क्या है, 1। तो यहाँ पे 1 देखिए, इस 1 से रिलेटेड ए और बी की वैल्यू क्या क्या है, ए भी 1 है बी भी 1 है इसलिए ए भी सिंपल है और बी भी सिंपल है, और ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा। सो एक्चुअली वी हैव टू सॉल्व दिस बाय यूजिंग के मैप, लेकिन विदाउट के मैप भी हम इस चीज़ को सॉल्व करके देख सकते हैं। अब हमारे पास जो हमारा लैडर डायग्राम है, लैडर डायग्राम की खासियत क्या होती है कि दो वर्टिकल लाइंस हमें लेनी है, वी हैव टू क्रिएट द लैडर, और लैडर के लिए ज़रूरी होता है दो वर्टिकल लाइंस लो और उसके बीच में एक रंग ऐड कर दो। अब हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि ए बार बी ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में हैं और बार टर्म है यहाँ पे, इसलिए कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्लोज स्विच लेते हैं, और जब जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है हम सीरीज़ में कनेक्शन लेते हैं। बी सिंपल है इसलिए बी को ओपन स्विच लिया हुआ है। अब ये जो पूरा पार्ट है दिस इज़ गोइंग टू ऐड विद दिस पार्ट, तो ये एडिशन के लिए हमारा कनेक्शन कैसा होना चाहिए, पैरेलल में। अब ये पैरेलल में जब भी हम ऐड करते हैं तो हम पैरेलल कनेक्शन लेते हैं, तो हमने पैरेलल में किसके साथ करना है हमको ऐड, ए इंटू बी के साथ, तो यहाँ पे फिर से मल्टीप्लिकेशन है तो ये दोनों सीरीज में आएंगे। अब ए सिंपल है इसलिए ए ओपन स्विच, बी बार टर्म है इसलिए बी क्लोज स्विच। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये हमारा किसका रिजल्ट है, सम का रिजल्ट है। वैसे ही हमको कैरी के लिए रिजल्ट और सर्किट डेवलप करना है, तो कैरी के लिए हमने सेकेंड रंग लिया, और दोनों भी वेरिएबल्स ए और बी ये दोनों सिंपल है तो दोनों भी ओपन स्विच है और ये कैरी हो जाएगा। तो इसको अभी प्रैक्टिकली हम वर्चुअल लैब पे कैसे परफॉर्म करते हैं वो देखो। अब ऑलरेडी हम ये देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल लैब वर्चुअल लैब में हम कैसे ओपन करते हैं, इसलिए दिस इज़ द कम्प्लीट प्लेटफॉर्म ऑफ वर्चुअल लैब। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो रंग का एक सिम्बॉल दिया गया है इसको हम इंसर्ट करेंगे, तो जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे यहाँ पे एक रंग ऐड हो गया है। अब हमें इक्वेशन करना है ए बी बार प्लस ए बार बी, तो ए को लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंपल जो ओपन स्विच है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे प्लेस कर देंगे ओपन स्विच को। उसके बाद ये हो गया और इसको टैग कर देंगे, टैग का मतलब हमें राइट क्लिक करके टैग पे जाना है, इसका वैल्यू हमें ए लिखना है और इसको सबमिट कर देना है। तो जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे इसका नाम ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम दूसरा स्विच ले रहे हैं हमारा क्लोज स्विच, ये क्लोज स्विच ले लेंगे हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे इस क्लोज स्विच को, और इसका राइट क्लिक करके हम यहाँ पे टैग कर देंगे इसको बी बी,
ताकि ये वैल्यू जो आएगी हमारी ये बी बार की वैल्यू होगी, क्योंकि क्लोज स्विच का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंटेड टर्म, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इसका, तो ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी बार। अब ए बी बार के पैरेलल में हमें कनेक्ट करना है ए बार बी, तो पैरेलल कनेक्शन के लिए फिर से आप माउस पे चले जाइए, माउस से इस पॉइंट पे आके यहाँ पे ब्लू पे आके आप क्लिक कर दीजिए यहाँ पे। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे प्लस सिंबल मिलेगा, आप उस पर क्लिक कीजिए तो आपका ये जो रंग है वो एक्सटेंड हो जाएगा। और एक बार हमको प्लस पे सिंबल पे करना है सो दैट ये रंग पूरे दोनों टर्म के लिए एक्सटेंड हो गया। अब यहाँ पे मुझे ए बार चाहिए, यहाँ पे ए और ये बी बार हो गया, तो यहाँ पे मुझे चाहिए अभी ए बार और बी। तो ए बार लाने के लिए मुझे फिर से क्लोज स्विच लेना पड़ेगा, क्लोज स्विच लेके हम यहाँ पे प्रेस कर देते हैं यहाँ पे और उसको टैग कर देते हैं, उसका नाम दे देंगे यहाँ पे ए। भले ही हम नाम ए दे रहे हैं लेकिन वो वैल्यू किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बार का, क्योंकि वो क्लोज स्विच है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से ओपन स्विच ले लेंगे, ये ओपन स्विच हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया और इसका नाम दे देंगे हम बी, क्योंकि ये सिंपल ओपन स्विच बी वाला होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया। तो अभी हमारा यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, ये हो गया हमारा ए बी बार और ये ए बार बी। तो ये जो हमारा रिजल्ट आता है ये रिजल्ट हमारा किस लिए आता है, सम के लिए। इसलिए यहाँ पे फाइनल में जाके हमको आउटपुट प्लेस करना है, यहाँ पे हमें आउटपुट प्लेस करना है। तो हम यहाँ से आउटपुट का सिंबल उठाएंगे, दिस इज़ द सिंबल फॉर आउटपुट, ऐड आउटपुट, इसको प्रेस कीजिए, इसको लेके आइए यहाँ पे और यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। जैसे ही आप पुट करते हो उसके बाद राइट क्लिक कीजिए, इसको टैग कर दीजिए। जैसे ही आप टैग करोगे इसका नाम क्या देना है हमको, सम, तो हम सम लिखेंगे यहाँ पे, सम कर दिया और यहाँ पे सबमिट कर दिया। सो दैट अभी क्या हो गया, इसकी वैल्यू आ गई सम। नेक्स्ट हमें चाहिए कैरी के लिए, तो कैरी के लिए मुझे फिर से एक रंग ऐड करना पड़ेगा। ये कैरी के लिए अगर हमने रंग ऐड कर दिया तो ये रंग यहाँ पे आ गया। और कैरी का इक्वेशन क्या है, ए इंटू बी, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैरी का जो इक्वेशन है दैट इज़ ए इंटू बी। तो ए भी सिंपल है बी भी सिंपल है, यानी हमें दोनों को ओपन स्विच लेना है, ए को भी और बी को भी। तो हम यहाँ से ए को उठाएंगे ओपन स्विच, ये यहाँ पे प्लेस कर देंगे, फिर हम यहाँ पे फिर से दूसरा स्विच लेके आएंगे, फिर से ओपन स्विच बी, और इन दोनों का नाम दे देंगे अभी, इसको राइट क्लिक करके हम टैग कर देंगे ए, सबमिट, और यहाँ पे हम राइट क्लिक करके फिर से सबमिट कर देंगे टैग करके, तो यहाँ पे ये बी हो जाएगा, ठीक है। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे मुझे आउटपुट चाहिए और उसका नाम चाहिए कैरी। तो ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट को मैं फिर से यहाँ से ऐड कर दूँगी लास्ट में यहाँ पे, और इसको मैंने टैग कर दिया कैरी करके, ठीक है। इसका नाम क्या दे देंगे अभी हम, कैरी, सी ए आर आर वाई, कैरी का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। फिर उसे टैग करना पड़ेगा हमें क्योंकि वो चला गया, एक बार टैग कर दो सी ए आर आर वाई और ये सबमिट कर दो यहाँ पे। तो जैसे ही हम सबमिट करेंगे यहाँ पे कैरी हमारा मार्क हो गया। अब हमें चेक करना है कि देखो ए के वैल्यू ज़ीरो है, बी के भी वैल्यू ज़ीरो है। तो सबसे पहले चेक करने के पहले हम इस सर्किट डायग्राम हमने करेक्ट ड्रॉ किया कि नहीं इसके लिए आएंगे। यहाँ पे कंपाइल करके ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। जैसे ही हम इसके ऊपर कर्सर लेके जाते हैं ग्रीन हो जाता है, कंपाइल पे जैसे ही आप प्रेस करते हो तो आपको यहाँ पे एक मैसेज रिफ्लेक्ट होता है, कंपाइल्ड सक्सेसफुली, उसको आप ओके कर दो। अगर हमारा सर्किट करेक्ट है तो कंपाइल्ड सक्सेसफुली आ जाएगा। इसके बाद हम जैसे ही इसको रन करेंगे, ये रन वाला ऑप्शन है, जैसे ही रन करेंगे ये जो दो वर्टिकल लाइन्स है, लास्ट वाली और ये फर्स्ट वाली, दोनों वर्टिकल लाइन ग्रीन हो जाएगी और प्रॉपर पावर सप्लाई हमारे पूरे सर्किट को मिलेगा। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जैसे ही हम रन वाला बटन दबाते हैं ये दोनों लाइन्स ग्रीन हो जाती है। आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि दोनों लाइन ग्रीन हो गई है। अब आप देखिए कि अकॉर्डिंग टू ट्रुथ टेबल ए की वैल्यू भी ज़ीरो है, ए की वैल्यू ज़ीरो है,
बी की वैल्यू ज़ीरो है। ए और बी जब दोनों ज़ीरो ज़ीरो होते हैं तब हमारा आउटपुट क्या आता है, ए और बी ज़ीरो ज़ीरो है तो सम भी ज़ीरो और कैरी भी ज़ीरो। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए, सम का जो वैल्यू है वो भी ज़ीरो है और कैरी जो है वो भी ज़ीरो है। ठीक है, ये दिख रहे हैं आप लोगों को। अब हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू को वन करके देखेंगे। तो बी की वैल्यू को वन करने के लिए यहाँ पे जो सिंपल वाला बी है उसके वैल्यू को हम टॉगल करेंगे। टॉगल कैसे किया जाता है, इसको राइट क्लिक कीजिए, इसके बाद यहाँ पे टॉगल वाला ऑप्शन आता है, उसको जस्ट टॉगल कर दीजिए आप। टॉगल का मतलब क्या है, ज़ीरो से वन हो गया। जैसे ये बी वन हो गया, ये वाला भी बी वन हो गया, है ना। तो अभी अब देखिए, ए की वैल्यू ज़ीरो है, बी की वैल्यू वन है, उस वक्त हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करके देखिए, जब हमारा ए का वैल्यू ज़ीरो है और बी का वैल्यू वन है तब हमारा सम वन आता है और कैरी ज़ीरो आता है। तो यहाँ पे भी आप चेक कर लीजिए, ये जैसे ही हमने चेंज किया हमारा सम भी क्या वन आ गया, यहाँ पे सम वन आ गया है, सम की वैल्यू हमारी वन आ गई है और कैरी की वैल्यू हमारी ज़ीरो आ गई है। ठीक है, तो इस टाइप से हम कोई भी सिचुएशन के लिए जैसे ए और बी की वैल्यू चेंज करके देख सकते हैं। अब ए की भी वैल्यू को हम टॉगल करके देख सकते हैं, ए की वैल्यू को अगर हमने वन बना दिया टॉगल तो वन हो गया, ए जैसे यहाँ पे वन हो गया सिमिलरली यहाँ पे भी वन हो गया। तो ए और बी अब दोनों भी वन वन हैं, दोनों अगर वन वन हैं तो सम और कैरी क्या आता है ये देखते हैं अभी हम। तो यहाँ पे आप देखिए, ए और बी ये दोनों अगर वन वन हैं, ये भी वन और ये भी वन, तो सम ज़ीरो होता है और कैरी वन होता है। तो यहाँ पे आप आउटपुट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपका जो सम है वो ज़ीरो है, ये जो सम है इसकी वैल्यू चेक करके देखो आप, यहाँ पे ज़ीरो है और कैरी जो है ग्रीन कलर में आया है, इसका मतलब उसकी जो वैल्यू है वो वन है। तो इस टाइप से बाय यूजिंग वर्चुअल डायग्राम, वर्चुअल लैब, वी कैन परफॉर्म एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिकल फॉर द लॉजिक गेट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच।